दोस्तों, अगर आप एक बिल्डर और डेवलपर हैं और आप जानना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी एक्सपो में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको ये समझ में आने वाला है कि एज अ बिल्डर, एज अ डेवलपर आपको क्या फायदे होंगे या एज अ मार्केटिंग एजेंसी के ओनर आपको क्या फायदे होंगे किसी भी बड़े प्रॉपर्टी एक्सपो में पार्टिसिपेट करने से। क्या आपको फायदे होंगे भी या नहीं होंगे, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एज अ बिल्डर, एज अ डेवलपर, एज अ मार्केटिंग एजेंसी ओनर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं प्रॉपर्टी एक्सपो में पार्टिसिपेट करने से। सो मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल स्टेट कोच, रियल स्टेट ट्रेनर, रियल स्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बिल्डर डेवलपर से बात करने के बाद, बहुत सारे कस्टमर से बात करने के बाद, उनको होने वाले फायदों को समझने के बाद, हम ये रिसर्च बेस्ड टॉपिक आपके लिए लेकर आए ताकि आपको समझे कि प्रॉपर्टी एक्सपो के क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ब्रांड बिल्डिंग। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना, बहुत कंफ्यूज मत होइए, सेल्स एक पार्ट है, लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा होता है प्रॉपर्टी एक्सपो में वो होता है आपका ब्रांड बिल्डिंग। लोगों के नजरों में जब आप आते हो, जब लोगों को ये दिखाई देता है कि 100 फुट 200 फुट का एक बड़ा स्टॉल लेकर आपका ब्रांड यहाँ बैठा हुआ है, भले वो वहां तुरंत खरीदे या ना खरीदे दोस्तों, लेकिन एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आपका ब्रांड बिल्ड होता है। लोगों के नजरों में आपका नाम आता है, उन्हें पता चलता है कि एक्स वाई जेड बिल्डर का ये 10 एकड़ का, 5 एकड़ का या ये छोटा अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। और जब उन्हें कभी रीमार्केटिंग की जाती है, रीटारगेटिंग की जाती है, या कोई व्यक्ति जब उन्हें कॉन्टेक्ट करता है, तब उनके दिमाग में वो इमेज होती है या वो नाम होता है। ये है सबसे पहला बेनिफिट जो आपको प्रॉपर्टी एक्सपो में मिलता है। लेकिन हाँ, ये भी बहुत जरूरी है कि उस एक्सपो में लोग आए, उस एक्सपो को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि हमें तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख के चलना है। अगर वो एक्सपो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है, अगर वो एक्सपो की प्रॉपर मार्केटिंग हो रही है, प्रॉपर ब्रांडिंग हो रही है, प्रॉपर न्यूज़पेपर से लेके, ऑनलाइन से लेके, ऑफलाइन से लेके, हर तरीके से उसकी मार्केटिंग हो रही है, तो इसका ज्यादा आपको फायदा जरूर होगा। दूसरा, जेन्युइन लीड्स। हाँ दोस्तों, ब्रांडिंग के बाद जो सेकंड सबसे बड़ा फायदा होता है एक्सपो में, वो होता है जेन्युइन लीड्स का। अब जेन्युइन लीड्स कैसे और क्या, इस प्रोसेस को ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, आज के जमाने में किसी भी व्यक्ति को उसके घर से बाहर निकालना ये बहुत डिफिकल्ट काम हो गया है। लोगों को बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो आज मैक्सिमम शॉपिंग लोग ऑनलाइन ऐप पे करते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट की शॉपिंग के लिए भी अलग अलग ऐप बने हुए हैं। कपड़े खरीदना है तो मिंत्रा अवेलेबल है, किराना खरीदना है तो ये अवेलेबल है, बिग बास्केट है, ग्रोफर्स है, और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदे या बहुत सारा कॉमन चीजें खरीदनी है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, 500 चीजों के लिए 500 ऐप है। मेडिसिन खरीदनी है तो अलग ऐप है। इसमें क्या हो गया, व्यक्ति बाहर घर से कम निकलता है, उसे आदत हो गई है, क्लिक 1-2-3 क्लिक में उसके घर सामान आ जाता है। ऐसे सिचुएशन में जो व्यक्ति आपके एक्सपो में आता है वो एक सीरियस बायर है, इसे ध्यान से समझिए। वो ऐसे ही टाइम पास करने फ्राइडे सैटरडे संडे फैमिली को लेकर पेट्रोल लगाकर समय निकालकर आपके एक्सपो में नहीं आया, वो एक सीरियस जेन्युइन व्यक्ति है जो दिल से प्रॉपर्टी को ढूंढ रहा है, या तो इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहा है या तो रहने के लिए ढूंढ रहा है। इस केस में आपको एक्सपो में जो लोग आते हैं वो थोड़े से जेन्युइन लोग होते हैं, वो अच्छी टारगेट ऑडियंस होती है जो आपको मदद कर सकती है इन फ्यूचर अपनी सेल्स को बढ़ाने में। नो डाउट, अल्टीमेट एम तो यही होता है कि जो भी बिल्डर पैसा इन्वेस्ट करता है, स्टॉल लगाता है, कुछ पैसे देता है, वो सोचता है मेरा पैसे को रिटर्न कब आएगा, जब मुझे सेल्स मिलेगा। लेकिन हो सकता है वहां अगर आपको डायरेक्टली सेल्स ना भी मिले, तो जो ब्रांडिंग आपकी हुई, जो जेन्युइन लीड आपको मिली, बाद में उसने विजिट किया वहीं स्पॉट पे, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा डिसीजन वहीं तो नहीं ले लेगा प्रोडक्ट को देखे बिना। वो एक्सपो में आएगा, आपके प्रोडक्ट को समझेगा, 2-3 दिन बाद का टाइम देगा, आपके यहाँ साइट विजिट करेगा, फिजिकली साइट पे आएगा, चीजों को समझेगा, उसके बाद जाकर ही वो डिसीजन लेगा। लेकिन अगर आपने पहला ही मौका मिस कर दिया तो फिर बाद में चांसेस कम है। इसीलिए एक्सपो में बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को सेकंड फायदा ये होता है कि बहुत जेन्युइन और अच्छी लीड्स भी मिलती है। तीसरा फायदा, ऑन स्पॉट ऑफर्स एंड सेल्स भी कभी कभी देखे गए। बहुत सारे बिल्डर्स जिनका ब्रांड नेम अच्छा होता है, जिनके प्रोडक्ट के बारे में लोग जानते हैं, या तो जिनका प्रोडक्ट ऑलरेडी 5 टाउनशिप 6 टाउनशिप 5 अपार्टमेंट 10 अपार्टमेंट बने हुए हैं, उन पर एक ट्रस्ट भी होता है, बहुत सारे लोग वहां पर भी कभी कभी स्पॉट ऑफर में बुकिंग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ अच्छे ऑफर चल रहे होते हैं एक्सपो में बुक करने पे, 1 लाख का डिस्काउंट है, सिल्वर का कॉइन है, गोल्ड का कॉइन है, टीवी है, एसी है। देखिए, हम प्रैक्टिकली इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपसे प्रैक्टिकल बातें करेंगे, क्योंकि पिछले 15-16 साल से मैं और मेरी पूरी टीम रियल स्टेट इंडस्ट्री में ही काम कर रही है। अलग अलग तरीके से हमारी जितनी भी कंपनी है पूरी रियल स्टेट के अराउंड इकोसिस्टम में ही काम करती है, तो हम आपसे प्रैक्टिकल बात करेंगे। अच्छा ऑफर कभी कभी मिल जाता है, अच्छा ब्रांड नेम होता है, लोगों का ट्रस्ट होता है, तो लोग ऑन स्पॉट भी कभी कभी बुकिंग कर लेते हैं।
हैं या ऑफर्स के वजह से या चीजों के ट्रस्ट के वजह से या बिल्डर के नाम की वजह से कभी कभी वहीं पे भी सेल्स निकल जाती है। दोस्तों अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेकर आने वाले आपके मिस हो हम नहीं चाहते। और दूसरा अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो इमीडिएटली लाइक कीजिए, आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, उत्साह मिलता है सब वैल्यू एडेड कॉन्टेंट आपके लेकर। चौथा बेनिफिट फॉर बिल्डर डेवलपर्स एंड मार्केटिंग एजेंसीज, फिल्टर्ड ऑडियंस। इसे थोड़ा ध्यान से समझिए, एक्सपो में जनरली जिस तरह से एक्सपो को प्रमोट किया जाता है उसका जो टैगलाइन होता है, जो उसका ब्रांड नेम होता है, जो बॉडी वो एक्सपो ऑर्गेनाइज कर रही होती है उसके हिसाब से वैसा फिल्टर होकर ऑडियंस आता है। आपको अलग अलग लेवल के फिल्टर नहीं लगाने होते। दूसरा, अगर एक्सपो में क्लियरली लोगों को पता है कि इस रेंज का प्रोडक्ट यहाँ है, इस रेंज का प्रोडक्ट यहाँ है, तो बराबर वो उसी काउंटर पर जाते हैं जिस रेंज का प्रोडक्ट वो एफोर्ड कर सकते हैं या जो लेने की उनकी इच्छा है। वो हर स्टॉल पर नहीं जाते, तो भले ही 70 स्टॉल लगे हो लेकिन लोग पूरे 70 स्टॉल पर नहीं जाते। उनको जिस एरिया में जिस प्राइस रेंज का प्रोडक्ट चाहिए बराबर वो उसी स्टॉल पे ज्यादा जाते हैं। तो ये फिल्टर्ड ऑडियंस आपको मिल जाती है दोस्तों एक्सपो में, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो अगर आप एक बिल्डर, एक डेवलपर, एक अच्छे एक्सपो की तलाश में, तो आप अपने आसपास देख सकते हैं अलग अलग बॉडीज एक्सपो कराती है। कभी कोई मीडिया वाले कराते हैं, मान लीजिए न्यूज़पेपर वाले, कभी कोई एफएम वाले भी कराते हैं, मान लीजिए माय एफएम का या इसका उसका कोई इवेंट हो, या मान लीजिए कभी नरेट को क्रेडा एक्सपो कराते हैं। अलग अलग एक्सपो आपके सिटी में आसपास चलते रहते हैं, अवेयर रहिए, अच्छा एक्सपो हो, ठीक लग रहा हो तो आप वहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पांचवा, बेटर विजिबिलिटी एंड रिलेशंस बिल्डिंग। अब अगर विजिबिलिटी होगी, आज के जमाने का सिंपल फंडा है, जो दिखता है वो बिकता है, जो चीज लोगों के सामने होगी जिसकी विजिबिलिटी ज्यादा होगी वो चीज लोगों के दिमाग में ज्यादा जल्दी स्ट्राइक होगी। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ब्रेन के साथ, जो जब ब्रेन जो चीज को बार बार देखता है उस पर जल्दी बिलीव करता है। तो आपको विजिबिलिटी मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ बहुत सारे ब्रांड एक जगह पे, तो बहुत सारे लोग आते हैं, भले वो आपका प्रोडक्ट नहीं भी खरीद रहे हो पर आपके स्टॉल के सामने से जाते हैं, थोड़ा आपका प्रोडक्ट को समझते हैं, तो विजिबिलिटी बढ़ती है और रिलेशनशिप बिल्डिंग ज्यादा बढ़ती है। मान लीजिए आपके अच्छे 10 एम्प्लॉइज वहां पे बैठे हुए हो, लोगों से अच्छे से बात कर रहे हो, लोगों को अच्छे समझा रहे हो। ये भी हो सकता है दोस्तों कि आपके प्रोजेक्ट को कोई देख चुका हो 2 महीने पहले 3 महीने पहले, पर उसे नहीं पता कि अभी आपका प्रोजेक्ट कहां तक पहुंच चुका है, क्या एडवांसमेंट आ गए, क्या नई चीजें फीचर्स आप दे रहे। वो एक्सपो में आके कभी कभी बुक कर लेता है, वो ये बोलता है मैं 2 महीने पहले तो आपकी साइट पे आया था, तब इतना सब कुछ नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता था आप इतना फास्ट काम करते हो, मुझे अच्छा लगा था तभी प्रोजेक्ट, चलो मैं आज चेक दे देता हूँ। तो आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग की वजह से भी बुकिंग निकल जाती है। तो एक्सपो में जरूरी नहीं है कि हर नया व्यक्ति आता है, कभी कभी कोई पुराना व्यक्ति जो बहुत साल से आपके प्रोजेक्ट पे ध्यान रख रहा था, उसे लग रहा था आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन एक्सपो में जब तक आप पहुंचे तब तक आपका काम बहुत आगे बढ़ चुका था, आपका ब्रांड नेम अच्छा हो चुका था, 6 महीने 1 साल पुराना क्लाइंट भी कभी कभी एक्सपो में टकरा कर अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं तो बुकिंग कर लेता है। ये थे वो की इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो एक बिल्डर को, एक डेवलपर को, एक मार्केटिंग एजेंसी को भी मिलते हैं। और मार्केटिंग एजेंसी के फायदे ये, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट लेकर भी एक्सपो में बैठ सकते हैं, वहां पर लोगों को आपके स्टॉल पे 3-4 मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, वहां पर भी कभी कभी आपको अच्छी लीड्स और अच्छी बुकिंग्स मिल सकती है। तो अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, ये वीडियो आपको देखना मस्ट है, ये वीडियो लोगों तक पहुंचना मस्ट है। उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिन्हें अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का और उन्हें एक्सपो के बारे में पता चले। ऐसे वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियोज ही हमारे देश में रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करने मदद करेंगे। और दूसरी बात, एक्सपो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए तो ये इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज होने में बहुत मदद भी करता है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एक्सपो में पार्टिसिपेट करने के एज अ बिल्डर, डेवलपर या मार्केटिंग एजेंसी के ओनर। वीडियो अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो लोगों का शेयर जरूर कीजिए। हमारा मिशन है भारत में 1 लाख से ज्यादा रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करना, कोच करना, एम्पावर करना, और एक व्यक्ति भी 50 से 100 लोग को जॉब दे पाए तो 50 लाख से एक नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। अगर आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर, बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट कोच की तलाश में थे या अपनी टीम को ट्रेन करना चाहते हैं, तो आप हमारे बोल लाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या नीचे एक रियल एस्टेट गेम चेंजर सीईओ कोचिंग का फॉर्म डिस्क्रिप्शन में, उस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 50,000 रुपए का अमूमन हम जो क्लैरिटी कॉल करते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 1-to-1 आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, अपने बिजनेस मॉडल को डिस्कस कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ और एक्सपांशन की स्ट्रेटेजी को हमारे साथ प्लान कर सकते हैं। अगर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस फॉर्म को जरूर फिल कीजिए। आरजीसी सीईओ कोचिंग का एक फॉर्म दिया हुआ है। अभी तक जो प्यार दिया आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को नेशनल बेस्ट सेलर बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को इंडिया का लीडिंग रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।